आज आपसे चर्चा करेंगे जैनियों के 10 लक्षण महापर्व की। इनका बहुत ही उपयोग माना जाता है और जैन साधु और साध्वी इसको अपने जीवन का एक हिस्सा मानते हैं। ये 10 लक्षण के प्रकार क्या है? सबसे पहला, जीवात्मा के अनित्यता का बोध सभी को होना चाहिए। जब हम इसका विचार करते हैं तो हमारे अंदर वैराग्य आता है। दूसरा है आश्रय भाव। जैन दर्शन के अनुसार जीवात्मा को किसी भी प्रकार का शरण नहीं लेनी चाहिए, ये आश्रय भाव बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तीसरा, निरपेक्ष भाव। जीवात्मा को सबको समान रूप से देखना है और किसी की तरफदारी नहीं करनी है। ये भाव बहुत जरूरी है, बहुत उत्तम है। चौथा है संयम। जीवात्मा को अपने शरीर, मन और विचार को नियमित रूप से कंट्रोल करना चाहिए और इसको सीखना चाहिए। पांचवा है स्वाध्याय। स्वाध्याय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जीवात्मा को शास्त्र और धर्म की अध्ययन करना चाहिए, तभी हम अपने आप को शुद्ध और शुद्ध करते चले जाते हैं। छठा है तप। जीवात्मा को तपस्या यानी कि इंद्रियों को नियंत्रित रखने के लिए तप करने की जरूरत होती है। इसको जब हम करेंगे तो हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, सेल्फ डिसिप्लिन कर पाएंगे। सातवां है त्याग। जीवात्मा को भोगों का त्याग करना चाहिए और संयम दिखाना चाहिए। आठवां है अपरिग्रह। जीवात्मा को समृद्धि और वस्तुओं की आश की नहीं रखनी चाहिए। जीवात्मा उतनी ही उत्तम होगी, उसकी सोल उतनी ही ऊंची होगी जब हम अपरिग्रह की भावना से ओतप्रोत रहते हैं। इसका मतलब है कुछ भी किसी चीज को हमने पकड़ के नहीं रखना, एकत्रित नहीं करना। नवा है ब्रह्मचर्य। जैन दर्शन में ब्रह्मचर्य का पालन करना महत्वपूर्ण है। जब हम इसको ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम आत्मा ज्यादा फोकस्ड होकर कार्य करती है। लास्ट का और इम्पोर्टेंट है अनेकांतवाद। ये लक्षण जीवात्मा को वस्तुओं और उसके दृष्टिकोण को अनेक प्रकार से देखने की परंपरा को समझाता है कि यू शुड बी ओपन माइंड और आप किसी भी प्रॉब्लम को सब एंगल से देखें। ये 10 लक्षण जैन धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और जीवात्मा को मार्गदर्शन के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। इसलिए हर साल जैन परंपरा को पालने वाले इसका पालन करते हैं। दसियों दिन बहुत सारे लोग इसको फास्ट करते हैं और कुछ लोग एक बार भोजन करते हैं। जैन साधु साध्वी के को इन लक्षणों का पालन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यू टीच अदर पीपल बाय योर ओन एग्जाम्पल। सो आपने इस 10 लाक्षी के पर्व को जाना और ये जो 10 गुण हमारी सोल के होने चाहिए उसको भी आपने जाना। फिर मैं रिपीट करूँगी, नाम है जीवात्मा की अनित्यता, आश्रय भाव, निरपेक्ष भाव, संयम, स्वाध्याय, तप, त्याग, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अनेकांतवाद। ये सब चीज़ें हमें याद करनी चाहिए। ये फोटोग्राफ भी इसके बारे में बताती है। धन्यवाद।